आगामी विधानसभा चुनाव में संलग्न शासकीय कर्मचारियों ने स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव कार्य से मुक्त रहने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए हैं। इस पर जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बनाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड को कुल 155 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई कर्मचारियों की वजह तो जायज है, लेकिन ऐसे भी कुछ आवेदनों में चुनाव कार्य से मुक्ति रखने के लिए हास्यास्पद कारण बताए गए हैं। इनमें 10 साल पहले कॉलर बोन कंधे की हड्डी फ्रैक्चर होना, एक कान से बराबर सुनाई ना देना और हाथ पैरों में झुंझुनी आने जैसे कारण बताए गए हैं। कई ऐसे भी थे जो 20 साल पहले दुर्घटना में घायल होने का हवाला दे रहे थे। डॉक्टर चेतन पटौदे ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने के लिए स्वास्थ्यगत कारण बताने वाले कर्मचारियों के परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। इनमें से कई कर्मचारियों की वजह तो जायज है, लेकिन बहुत से आवेदनों में कुछ तो भी कारण बताए जा रहे हैं। परीक्षण के बाद मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जिला अस्पताल द्वारा प्रभारी अधिकारी, मतदान दल गठन व जिला योजना व सांख्यिकी कार्यालय खरगोन को सौंपे जाएंगे। मेडिकल परीक्षण में जो कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी के उपयुक्त नहीं पाए जाएंगे, केवल उन्हें ही चुनाव कार्य से मुक्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जो कर्मचारी शारीरिक रूप से अशक्त हैं, जिनकी की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, तो वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं कि जिससे उनकी चुनाव की ड्यूटी से उनको मुक्त किया जा सके। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको कि कुछ भी समस्या नहीं है, जैसे घबराहट हो रही है, मेरे को गैस बनती है, मेरे को दम चल जाता है, पर उनको देखने पे कहीं कोई भी समस्या नहीं है। किसी का 20 साल पहले एक्सीडेंट में कोई छोटे मोटा उंगली पे हाथ में कहीं फ्रैक्चर हुआ था, वो लोग भी आ रहे हैं, जो कि पिछले 25 साल से बाकी उनके सब सारे काम कर रहे हैं। बस ये 11, 12 और 13 पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं। अभी तक लगभग 150 से ऊपर लोग आ चुके हैं। करीब करीब 120 से ऊपर लोग हैं जिनको की वास्तविक रूप से तकलीफ है, बाकी के लोगों को नहीं है। डॉक्टर चेतन पटौदे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।